नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 स्टार फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कल उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारी त्रासदी हुई है। जो ग्लेशियर फटा है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी में अब तक 1400 बरामद हो चुके हैं और लगभग 150 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कल आए इस त्रासदी से निपटने के लिए युद्ध स्तर से रात भर से राहत और बचाव का काम बड़ी जोरों के साथ चल रहा है। इससे निपटने के लिए ITBP, NDRF, SDRF के अलावा वायुसेना भी जुट गई है। कल के आए इस त्रासदी में अभी तक 14 लोगों का शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी 150 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बात अगर उत्तराखंड के तपोवन की जाए तो वहाँ पर 2 टनल बताई जा रही थी, जिसमें एक टनल में जो लोग थे उन्हें कल ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन सबसे मुसीबत की खबर ये है कि जो वहाँ पर दूसरी टनल थी वहाँ पर 30 से 32 लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने का काम अभी भी चल रहा है। कल के उस त्रासदी में मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ITBP ने कहा है कि इस टनल की पूरी तरह से मलबा हटाने में लगभग 1 सप्ताह का भी समय लग सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।